अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 27। आज के इस लेसन में हम जूमिंग टूल बार के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जूमिंग टूल बार क्या होती है और इसमें किस तरह आप जूम करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को। तो आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है जी, देख सकते हैं फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट सिलेक्शन एंड जूमिंग द ऑब्जेक्ट, डिस्कस जूमिंग टूल बार, जूम विंडो, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम ऑब्जेक्ट, जूम इन एंड जूम आउट, जूम ऑल एंड जूम एक्सटेंट। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हमने डिस्कस करना है। इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करूँगा और जूमिंग के लिए अप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास होता है जी जूम टूल बार, यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रही होगी, यहीं से आपको सामने नज़र आ रही है। और चलो देखते हैं, ड्रॉ में जूमिंग का ऑप्शन है, ड्रॉ में नहीं है, टूल में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है, एन जेड में भी आई थिंक नहीं है, व्यू में जूम का ऑप्शन है, जूम रियल टाइम, प्रीवियस विंडो, डायनामिक, स्केल, सेंटर, ऑब्जेक्ट इन आउट ऑल एक्सटेंट, देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जूम का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको इस बटन पे क्लिक करें तो जूम एक्सटेंट, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, जूम रियल टाइम, जूम ऑल, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम ऑब्जेक्ट, जूम इन, जूम आउट। तो ये काम करते हुए जब आप काम कर रहे होते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है किसी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना और उस पर जूम करके काम करना। उसके लिए आप कीबोर्ड, आप जो है अपने माउस से स्क्रॉलिंग का बटन भी यूज़ करते हैं जूम इन जूम आउट के लिए। स्क्रॉल के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास हैंड बना हुआ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। ये जो आपके पास होता है, ये आपके पास व्हील्स होते हैं, व्यू ऑब्जेक्ट व्हील्स होते हैं, और इसमें आपने फिलहाल काम नहीं करना, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा इसका फंक्शन क्या है। अगर आप काम करें और इसमें कोई मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फॉर एग्जांपल आप मिनी फुल एनिमेशन व्हील्स पे क्लिक करते हैं, इस तरह एक व्हील आ जाएगा और यहाँ से आप देखें इसको स्टाइल भी चेंज हो गया है। तो उसके लिए आप दोबारा स्केप का बटन प्रेस करें और टॉप पे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, अपने टॉप पे क्लिक करना है तो आपका ये वापस अपनी पोजिशन पर आ जाएगा। जूम एक्सटेंट और जूम के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ, ओके। अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये जूमिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से काम होता है। जूम एक्सटेंड का तो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जूम एक्सटेंड होता है जेड स्पेस ई स्पेस, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सामने ले आता है। जूम ऑल, जेड स्पेस ए स्पेस, ये जूम ऑल भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सामने ले आता है, जेड स्पेस ए स्पेस, देख सकते हैं। जेड स्पेस ई स्पेस का देखते हैं, ये दोनों का काम यहाँ पे सेम ही है। नेक्स्ट आपका जो जूमिंग का ऑप्शन आता है यहाँ पे, जूम विंडो पे क्लिक करें, पूरी पूरी विंडो को जूम करेगा ये, कौन सी विंडो को, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं ये जूम हो गया। नेक्स्ट है जूम प्रीवियस पे क्लिक करें, पीछे चला जाएगा वापस। जूम अपने रियल टाइम पे क्लिक करें, और रियल टाइम पे जूम करने के लिए आपके पास ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट, ये चीज़ बनी हुई आ गई है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ, जूम प्रीवियस, देखें ये आपके पास आ गया, इसलिए आप इसको आप स्क्रॉलिंग करें ना तो देखें आपको रियल टाइम और प्रीवियस में फ़र्क है आपका, ये चीज़ आ जाएगी, इसको आप जूम कर सकते हैं। जूम ऑल क्लिक करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट आपके जूम हो जाएंगे और जहां तक आपने जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे वो एरिया जूम हो जाएगा। नेक्स्ट है जूम में, जूम डायनामिक पे क्लिक करें, डायनामिक से क्या देखें, ये चीज़ आ गई, जहां पर आप क्लिक करेंगे वो एरिया आपका जूमिंग होता जाएगा, अब यही एरिया आपका हमेशा रहेगा, देख सकते हैं। तो ये जूम डायनामिक, स्केप का बटन प्रेस करें, जूम स्केल पे क्लिक करें, एंटर स्केल फैक्टर, जूम के लिए आप स्केल फैक्टर आप देखें, मैं 5, मैं 10 तक करता हूँ, 10 फुट तक करता हूँ, 10 फुट तक एरिया में जितना ऑब्जेक्ट होगा उसको जूम कर लेगा, देख सकते हैं। तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट मूव हो गए जो 10 फुट के एरिया में थे। जेड स्पेस से स्पेस करें, और नेक्स्ट है जूम में, जूम सेंटर, सेंटर से जूम करता रहेगा, देखें सेंटर से जूम कर रहे हैं, इसे सेंटर पे रखो, इसको जूम करेगा,
इसके सेंटर पे रखो, इसको जूम करके सामने लाएगा। ये जूम सेंटर का फंक्शन है। नेक्स्ट आपका जूम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपने जूम करना है। कौन से ऑब्जेक्ट को? मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं जूम करना चाह रहा हूँ। स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट, ये ले, सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ये जूम करेगा। फिर बताता हूँ आपको, ऑर्बिट जूम ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन, फॉर एग्जांपल क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सॉरी क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, जूम ऑब्जेक्ट में आपने जूम ऑब्जेक्ट के लिए आपने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तब ये जाके जूम होगा। फर्स्ट सेकंड के इसमें ऑप्शन नहीं है। जूम इन का फंक्शन है, आप जूम इन करते जाएं, जितना भी जूम इन होता जाएगा। और जूम आउट का फंक्शन है, जूम आउट करने पीछे चलता जाएगा, देख सकते हैं। जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जूम इन। तो ये था जूम का फंक्शन। नेक्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट का फंक्शन क्या होता है, ऑर्बिट भी डिस्कस करते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, फ्री ऑर्बिट है, क्लिक करें इस पर, ये ऑर्बिट है, इसको आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, स्टाइल से मूव हो गया, देख सकते हैं। तो ये ऑर्बिट का फंक्शन है। कंटिन्यू ऑर्बिट पे क्लिक करें तो जो जो आपने काम किया होगा ना, इसको ये फिर कंटिन्यू चलाता रहेगा। देखें मैंने छोड़ दिया, अब ये खुद इसको क्या करें, कंटिन्यू मूव कर रहे हो सीरी पे, देख सकते हैं। स्केप का बटन प्रेस करें, छोड़ देगा। तो ये था जी ऑर्बिट। दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाने के लिए कस्टम और टॉप पे क्लिक करें, दोबारा अपनी उस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो ये था जूम और ऑर्बिट का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, जूमिंग क्या होती है, किस तरह हम जूमिंग करते हैं, और ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिट का फंक्शन क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।